नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसकी चर्चा हमें करनी है। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खत्म हुआ है, जो आपके जून में शुरू किया गया था और आपके जुलाई जुलाई में वो खत्म किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये पैरा ओलंपिक की बात करूं मैं, पैरा ओलंपिक क्या होता है, पैरा ओलंपिक के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो शारीरिक रूप से अक्षम जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक ओलंपिक, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों के लिए एक ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, जो पैरा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इस साल अगर इसके पिछले साल की मैं बात करूं तो पिछला जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन मैं कह सकता हूं। सबसे उसे हम कहते उस समय क्या स्लोगन चलता था कि पेरिस पैरा ओलंपिक जो सॉरी टोक्यो जो पैरा ओलंपिक था वो टोक्यो पैरा ओलंपिक का स्वर्णिम युग कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहते हैं ना इतिहास जो है ना बदलता रहता है, इसीलिए इस बार अगर बात करी जाए ना 2024 का पेरिस ओलंपिक ना पैरा ओलंपिक के इतिहास के लिए सबसे स्वर्णिम युग की बात करेगा, यानी सबसे ज्यादा गोल्डन ईयर अगर कोई है तो वो ये है। इस बार रिकॉर्ड तौर पे अगर मैं बात करूं ना तो लगभग क्या, इस बार रिकॉर्ड तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपके 29 कुल टोटल गोल्ड मेडल, कुल आपके टोटल मेडल आए हैं, जिसमें से आपके 7 गोल्ड मेडल। यकीन नहीं होता, मतलब पैरा ओलंपिक में वो प्रदर्शन जो शायद हम पेरिस ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हम देख सकते थे, लेकिन पैरा ओलंपिक में वो प्रदर्शन अतुलनीय रहा। और इन सभी जाबाजों को जो भी इसमें से विजयी हुए हैं उन सारे लोगों को बहुत सारी बधाई। ध्यान रखेंगे, यहां पे हम पूरी आपकी पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो है इस पूरे पैरा ओलंपिक की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ध्यान रखेंगे, जितने फैक्ट्स आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर देखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। चलिए, यहां पर आपका पेरिस ओलंपिक जो 2024 है ना, पेरिस पैरा ओलंपिक, इसका आयोजन जो है वो पेरिस में हुआ है। पेरिस आपके फ्रांस में, जाहिर सी बात है जो होस्टिंग कंट्री होती है ओलंपिक की वही आपके पैरा ओलंपिक की भी होस्टिंग कंट्री होती है। पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर मैं डेट बताऊं कब से शुरू हुआ तो ये 28 अगस्त से शुरू हुआ था और 8 सितंबर यानी कल ये खत्म हुआ है। ध्यान रखेंगे, इसमें अगर खेलों की संख्या के बारे में मैं बात करूं तो इसमें टोटल आपके 22 पैरा ओलंपिक गेम, 22 तरीके के पैरा ओलंपिक खेल, जिसमें मुख्य तरह से अगर मैं बात करूं एथलेटिक्स था, तीरंदाजी था, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्विमिंग, व्हीलचेयर, बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, पैरा टेबल टेनिस, और अगर बात करी जाए जेवलिंग थ्रो, स्प्रिंट रनिंग, ये सारी चीज मेन तौर पर अगर देखा जाए तो मेनली आपके ये आपके गेम है पैरा ओलंपिक में इंक्लूड किए गए थे। अगर मैं पैरा ओलंपिक में टोटल पार्टिसिपेट करने वाले अगर एथलीट्स के नंबर की बात करूं तो टोटल एथलीट्स के नंबर कितने थे आपके, 4463 टोटल एथलीट ने इसमें भाग लिया, जिसमें भारत की तरफ से आपके 84 एथलीटों ने भाग लिया था। यह ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पैरा ओलंपिक का था ना, पैरा ओलंपिक का ये 17वां एडिशन था, 17वां संस्करण था, ये बात ध्यान रखेंगे। इस बार के पैरा ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी की गई ना, उस ओपनिंग सेरेमनी का जो ध्वजवाहक था यानी फ्लैग बियरर जो था, वो फ्लैग बियरर आपके सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ध्यान रखिएगा, सुमित अंतिल और आपके भाग्यश्री जाधव ने क्या किया ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में काम किया था। ध्वजवाहक जब समापन हुआ तो उसमें किसने लिया, तो वो हरविंदर सिंह ने और प्रीति पाल ने, दोनों लोग क्या हैं, ये दोनों लोग विजेता थे इस बार के। चलिए, इसका शुभंकर क्या रहा है, यानी जो आपका पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा है, तो जो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर रहा है वही पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर रहा है, ओलंपिक फ्रिज जो है यही इसका शुभंकर रहा है। ध्यान रखिएगा, 2028 का जो पैरा ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, और अगर मैं बात करूं आपके 2032 का तो 2032 का भी कहां होगा, तो 2000 आपका बात करूं मैं 2024 के 2028 का तो 2028 का आपका लॉस एंजलिस, और 2032 की अगर मैं बात करूं तो 2032 का आपका होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, अभी अगर मैं बात करूं आपके जो ओलंपिक गेम है तो 2028 का जो ओलंपिक गेम होगा ना
वो भी आपके इसी सेम वेन्यू पे आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे जहां पर ओलंपिक गेम होते हैं वहीं पर आपके पैरा ओलंपिक गेम करा लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर पदक तालिका में मैं बात करूं तो शीर्ष स्थान पर चाइना का पोजीशन रहा है टोटल 220 आपके पदक के साथ, 94 स्वर्ण है इसमें और आपके 96 रजत और आपके 50 ब्रॉन्ज मेडल। ग्रेट ब्रिटेन का सेकेंड प्लेस रहा है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस और ग्रेट ब्रिटेन का सेकेंड प्लेस जिसमें आपके 49 आपके गोल्ड मेडल, 44 आपके सिल्वर मेडल और 31 जो आपके हैं ना टोटल आपके ब्रॉन्ज मेडल, यानी 124 टोटल मेडल हो जाते हैं। यूएसए का पोजीशन आपका थर्ड रैंक रहा है, ध्यान रखेंगे 36 गोल्ड, 42 आपके सिल्वर और अगर मैं बात करूं 27 आपके ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 105। अगर मैं भारत की बात करूं ना तो भारत का जो रैंक इस बार मिला है ना वो 80th यानी 18वां स्थान भारत का आया है। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है, 7 स्वर्ण जीता है और आपके 9 रजत जीता है, 13 कांस्य जीता है। टोटल अगर पदकों की संख्या आपसे पूछे तो 29 टोटल आपके पदक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पदक तालिका में देख लेते हैं कि 7 लोग कौन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर 7 लोगों की मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे अवनी लेखरा, अगर अवनी लेखरा की बात करूं मैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा 2021 का टोक्यो ओलंपिक था ना टोक्यो में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी ये पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने अपने लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे सिंपल ओलंपिक हो चाहे आपका पैरा ओलंपिक हो, दोनों ओलंपिक की बात कर रहा मैं। ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित गेम को भी याद रखिएगा, शूटिंग नितेश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, धर्मवीर ने आपके एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार ने आपके पुरुष हाई जंप में, नवदीप सिंह ने आपके किस में जीता है तो भाला फेंक में जीता है। ध्यान रखेंगे इनका गेम भी याद करिएगा क्योंकि गेम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रजत पदक, अगर सिल्वर मेडल की मैं बात करूं तो सिल्वर मेडल टोटल 9 लोगों ने, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता है, निषाद कुमार ने हाई जंप में जीता है, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में, थुल समिति आपके मुरुशेगन ने पावर लिफ्टिंग में, सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में, यही नोएडा के डीएम है ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में, याद रखिएगा ये आपके टोटल 9 लोग हैं जिन्होंने भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है। शरद कुमार हो गए हाई जंप में और सचिन खिलाड़ी हो गए आपके बैडमिंटन में, प्रवर सुरमा हो गए आपके बैडमिंटन में, ठीक है। भारत की तरफ से कांस्य पदक विजेता अगर मैं बात करूं ब्रॉन्ज मेडल तो टोटल 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं इस बार भारत में, टोटल 13 ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं मोना अग्रवाल शूटिंग में, प्रीति पॉल ने एथलेटिक्स में, यही आपके अंतिम जो समारोह हो रहा था ना यानी ध्वजवाहक की जो क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी उसमें ध्वजवाहक के रूप में काम कर रही थी। चलिए रूविना फ्रांसिस ने शूटिंग में, प्रीति पाल ने एथलेटिक्स, 2 जीता है इन्होंने ध्यान रखिएगा, प्रीति पाल ने 2 आपके जीते हैं मेडल ब्रॉन्ज मेडल, मनीषा रामदास ने बैडमिंटन में, राकेश और शीतल देवी ने तीरंदाजी में, नित्या सिवन ने बैडमिंटन में और अगर मैं बात करूं दीप्ति जीवन जी ने आपके एथलेटिक्स में, सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स में, मरियप्पा थंगावेलु हाई जंप में, कनीत परमार जूडो में, होकातो होतोजे सेमा ने शॉर्टपुट में और अगर मैं बात करूं सिमरन शर्मा का तो एथलेटिक जो स्प्रिंट में गई थी तो इन्होंने स्प्रिंट में जीता है। तो ये आपके टोटल मेडल्स की संख्या रही और टोटल आपके फैक्ट्स रहे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को अगर वीडियो आपके पास अच्छी लग रही है तो लोगों तक शेयर भी करिए। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।